सो आप बताएं, जब ये खिड़की खुली थी तो कभी फड्डा हुआ? लोग बोलते हैं ना कि पैसा अच्छे अच्छों को फड्डा करा देता है. फोर मेंबर्स, हाउ डिड यू गाइस डिवाइड इट? कभी किसी ने बोला था सुनो ये तो मेरा आइडिया था, इस वजह से हुआ, मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं. उसकी वजह है कि हमने पहले ही एक कंपनी रिफॉर्म की बेकार फिल्म्स के नाम से, रजिस्टर्ड प्रॉपर, उसके हमने बेसिक कुछ रूल्स बनाए और उसके अंदर हमने अकाउंट्स बनाए, उसके अंदर हमारी अपनी एक ऑडिट भी कर रहे होते हैं, हम लोग चीज़ें देख रहे होते हैं. हमारे अलावा हमारे स्टाफ भी है. ओके. हमारा एडिटिंग, कंटेंट राइटर, प्रॉपर स्टूडियो है हमारे पास. तो यूट्यूबर्स में से मेरे ख्याल से हम लोग एक शायद उन लोगों में से पायनियर या शुरू के लोगों में से थे जिन्होंने प्रॉपर स्टूडियो डाला था अपना. ओह वाओ. कराची के अंदर, और वहाँ से बैठ के हम काम करते थे, हम घरों से नहीं करते थे. हमने प्रॉपर एक अपना स्टूडियो सेटअप डाला हुआ है, अभी भी है हमारा, और हम वहाँ पे बैठ के हम टीम मिलती है और भी लोग आके मिलते हैं, शूट्स भी चलती हैं. और शूट्स स्टूडियो डालने का मतलब ये नहीं है मतलब कि वहाँ पे ही शूट्स चल रही है. हाँ, ऑल ओवर कराची या इवन बाहर जाना हो, कहीं भी जाना हो, ट्रैवल करना हो, हम कर रहे होते हैं, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं. सो जब पैसा देखे हमारे पास, एक्चुअली जब हमने चैनल बनाया उससे पहले हम ऑलरेडी प्रोफेशनल चीज़ें कर रहे थे, हम एड्स बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज बना, तो पैसा हमने देखा हुआ था. ओके. तो जब पैसा आपने देखा हुआ हो तो आपके अंदर वो चाहत ख़त्म हो जाती है कि यार अब ये 2 रुपये यहाँ से आए तो मैं ले लूँ या वो ले लूँ. तो सबने पैसा देखा हुआ था क्योंकि हम लोग अपने कोई फिल्म का समी जो था वो उस वक्त उसकी फिल्म आ रही थी मालिक, तो वो उसमें लगा हुआ था. वजन फॉर आयल साची ऑलरेडी एक एजेंसी है, वहाँ पे वो एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा था. इसी तरह मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी था उसके साथ साथ. तो हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें, पैसा और ये हर चीज़ देखी हुई. सो दिस इज मोर ऑफ पैशन. पैशन था. हाँ. क्योंकि अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि 2012 या 13 से आप लगा दें, यूट्यूब तो बैन था, यूट्यूब तो और फेसबुक पे ब्रांड नहीं थे. तो 2016 में यूट्यूब आया. 3 साल तो हम खाली पैसा ही डाल रहे थे अपना, यहाँ से कमा के वहाँ पे डाल रहे होते थे. तो हमने तो वो सोचा ही नहीं कि हमें पैसा मिलेगा या डीमोटिवेट हो जाएंगे. और एक और चीज़ बताता चलूँ, फेसबुक पे व्यूज़ का ऑप्शन नहीं था. शुरू में खाली शेयर होता था, कमेंट्स कर सकते थे, लाइक्स होते थे, आप वो नहीं करते थे उसके अंदर, उसके अंदर व्यूज़ का ऑप्शन नहीं आता था. Okay, तो हमें वो, हम डीमोटिवेट होते ही नहीं थे कि इतने कम व्यूज़ क्यों आए. हम तो ये देखते थे अच्छा यार 100 कमेंट्स लोगों ने कर दिए, लोगों से ज्यादा तो देखा, फलाना पेजेस पे भी चल गई है वीडियो, मतलब वायरल हो गई है. वैसे पुरानी लाइफ कितनी सिंपल थी, कितनी सादगी से भरी हुई, ना ज्यादा चिक चिक, ना ज्यादा टिक टिक. अब तो ये होता है कि यू नो तस्वीर पोस्ट करो तो लाइक्स आने चाहिए, तो लाइक्स हो तो कमेंट्स आने चाहिए. फिर मुझे 2-3 दिन पहले एक और चीज़ पता चली कि यार तस्वीर देखो कितने लोगों ने शेयर की है, ऐसे ये भी एक ऑप्शन होता है. तो ये बड़ा इट्स रियली वियर्ड. इंस्टाग्राम पे है ना आजकल. हाँ, इंस्टाग्राम पे कितना शेयर हुआ है, कितनी. इट्स प्रीटी वियर्ड दैट इतनी सारी चीज़ें इंसान को दिमाग में लेकर चलना पड़ता है, इंसिक्योरिटीज कितनी बन जाती है. आई थिंक वरना मेरे ख्याल से पहले जो ऑर्कड था उसमें सिर्फ स्क्रैप ही किया करते थे बैठे हुए रात भर. आप जो मैसेजेस करते थे ना किसी को, अगर मैं फलाना को मैसेज कर रहा हूँ तो मैं रीड कर सकता था. Wow, that's so bad. That's मैं स्क्रैप में जाऊंगा, मैं मुझे पता चल जाएगा वो किससे चैटिंग कर रहा था. Damn, मुझे याद है हमें सिर्फ आई रिमेम्बर एक जगह होती थी हाई फाइव नाम का, वो मैंने बस देखा था और फिर अम्मी ने फॉरन डांट भी दिया था. वहाँ बेकार लोग होते हैं जी, छोड़ो. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.